अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमारे क्लास 7th एक्सरसाइज 2.2 का आज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम। तो यहाँ लिखा है हमारा क्वेश्चन है फाइंड, इनके मालूम करो। ए पार्ट, यानी कि हमारे पास डीप चार पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है ए पार्ट हाफ ऑफ, पहला पार्ट इसका 24 एंड हाफ ऑफ 46, यानी इसका मतलब है 24 का हाफ कितना होता है और 46 का हाफ कितना होता है। तो चलिए हम यूज करते हैं सोल्यूशन। पहले हम देखेंगे हाफ ऑफ 24, हाफ ऑफ 24 का मतलब है यानी कि 1/2 ऑफ के बदले हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 24। यानी कि 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 24 वन 24 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम कसर काटेंगे, यानी 2 वन 2, 2 2 4, यानी कि हाफ ऑफ 24 आ गया 12। इसका मतलब है 24 का हाफ 12 आ गया हमारा आंसर। इस तरह हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, यानी कि हाफ ऑफ 46, क्योंकि 46 का हाफ कितना होता है। यानी कि हम ऐसा करेंगे 1/2 ऑफ के बदले हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 46। यानी कि 46 वन 46 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह कैसे काटेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यानी कि 23। इसका मतलब है कि 46 का हाफ आ गया 23। तो उम्मीद है कि आप भी बाकी के पार्ट इस तरह कर सकते हैं।